वेजिटेबल कटर है, न्यू लॉन्च है, आप इसको लगाएं। इसमें कमर्शियल वेजिटेबल कटर फॉर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, मीडियम रेस्टोरेंट्स हैं, उनके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस वाइज। आज मैं आई हूँ वर्ल्ड फूड एक्सपो 2024 जो कि लगा हुआ है भारत मंडपम प्रगति मैदान में। ये थर्ड एडिशन है एक्सपो का। अगर इसकी डेट की बात करें तो ये 19, 20, 21, 22 सितंबर तक लगेगा। और अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगेगा। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल और इंडियन इन्वेस्टर्स एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर फूड से रिलेटेड बिजनेस स्टार्टअप का आइडियाज देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे एग्जीबिटर्स आए हुए हैं अपनी कंपनीज और अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए। आप यहाँ पर आकर बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस एक्सपो में कुछ क्या खास होने वाला है। यहाँ पर ओवरऑल हॉल नंबर 6 में क्या है, यहाँ पर हर सेक्शन में अलग अलग है, हर हॉल में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो हॉल नंबर 6 में मशीनरी से रिलेटेड है, पैकेजिंग से रिलेटेड है, तो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है खास। हेलो सर, सर पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। यस मैम, श्योर। माय नेम इज सोहम एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर और ये हमारी कंपनी है स्पेक्ट्रल पैक। स्पेक्ट्रल पैक इज अ डिजिटल प्रिंटिंग कंपनी। बेसिकली एक शॉर्ट आइडिया मैं आपको दे देता हूँ डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में कि ये जो डिजिटल प्रिंटिंग है इट्स अ न्यू सेगमेंट फॉर प्रिंटिंग। इसमें आपको क्या होता है, आफ्टर कोविड देयर इज लॉट ऑफ स्टार्टअप्स कमिंग, तो उसमें सब स्टार्टअप्स को आजकल शॉर्ट शॉर्ट क्वांटिटीज लगते हैं, जैसे कि उनके 10 डिजाइंस है एंड हर एक के 500-500 चाहिए टू स्टार्ट विद द मार्केट। तो हम उसमें सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपका एक भी डिज़ाइन हो तो हम आपको 500 पाउचेस बना के देंगे, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इट्स अ रेवोल्यूशन फॉर, क्योंकि बाकी सब कंपनीज एक डिज़ाइन के कम से कम 10,000-12,000 लेती है पीसेस ऑर्डर करने के लिए बोलती है, हम 500 भी देते हैं। इससे क्या होता है, एक कॉमन मैन जो बिजनेस स्टार्ट करने का सपना देखता है उससे उसको एक बिजनेस स्टार्ट करने का मोटिव मिल जाता है और उसका प्रोडक्ट चल गया तो हमारे लिए भी अच्छा, उनके लिए भी अच्छा। तो दिस इज़ व्हाट डिजिटल प्रिंटिंग, और इसमें बेनिफिट्स ये है कि आप डिजिटल प्रिंटिंग में कभी भी चेंज करा सकते हो। मतलब अगर आपने एक डिज़ाइन मुझे दिया है और आपको है कि कल रात को कि वो चीज़ लाइन कुछ हटानी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो डिजिटल प्रिंटिंग में एक फ्रीडम है कि आप एक दिन में भी सब कुछ चेंज कर सकते हो जो बाकी के प्रिंटिंग में नहीं होती है। तो ये हमको अलग बनाता है बाकी प्रिंटिंग प्रोसेस से। सर कितना टाइम पीरियड हो चुका है आपकी कंपनी को? हमारी कंपनी को स्टार्ट होके वैसे तो ये 30-year-old कंपनी है, बट ये जो सेगमेंट है वी हैव स्टार्टेड लास्ट मंथ ओनली, तो वी आर ऑल्सो न्यू, बट हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री से ही है तो हमें एक्सपीरियंस है, बट ये सेगमेंट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि और ब्रांड हमारे साथ जुड़े और हम उनको सर्विस दे पाए अच्छे से। तो सर एक डिमांड भी होती है सामने वाले क्लाइंट से कि जैसे अगर प्रिंटिंग का है तो आपने बताया 500 पीसेस का है, तो साइजेस पर भी डिपेंड करता है? यस, हमारे पे हमारे पास 20 kg से लेके 10 ग्राम्स के पाउच तक बन जाते हैं, तो साइज लिमिटेशन ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब एवरीथिंग इन द मार्केट वी कवर ऑल द साइजेस। ओके, थैंक यू सर। सर कैन यू शो मी योर विजिटिंग कार्ड? यस, ये देखिए, आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। हेलो सर। हेलो, हेलो मैम। सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम दिलीप चौहान है एंड आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, सो आई एम ए फाउंडर ऑफ दिव्य महार प्राइवेट लिमिटेड। सर इसके बारे में बताइए, काला नमक राइस होता क्या है? काला नमक राइस एक बहुत ही अच्छी वैरायटी ऑफ राइस है जो कि नॉन बासमती कैटेगरी में आती है और ये बेसिकली एक GI टैग राइस है।
जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन दैट इज कॉल्ड सिद्धार्थ नगर और उसके आसपास के एरिया 11 डिस्ट्रिक्ट नॉमिनेटेड है जी आई टैग में, वहाँ पे पैदा होता है। और काला नमक इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसका हस्क ब्लैक होता है लाइक दिस, इसकी इसकी जो ये भूसी होती है वो ब्लैक होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ काला नमक राइस। एंड दिस इज ग्रोन फ्रॉम बुद्धास टाइम, तो इसे अभी गवर्नमेंट ने नया नाम दिया है बुद्धा राइस, ODOP के अंदर कवर्ड है ये सिद्धार्थ नगर के। सर इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा? हाँ जी, तो इसके बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इट वाज ऑब्जर्व दैट इट इज वेरी इफेक्टिव ऑन यू नो अल्जाइमर, रिपोर्ट शोज दैट। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि इसमें जो इसके अंदर वो भी है एंथोसिनिन माइक्रो न्यूट्रिएंट व्हिच इज यू नो प्रिवेंट ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर। एंड अदर थिंग इज दैट द ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज लो, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स एज। तो सर ये जो राइस है आपका कहाँ कहाँ मिलेगा? तो आप हमारे यू नो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म divyamahar.com से जाके शॉप के अंदर ऑप्शन है उसके अंदर जाके परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे एक कोड डालना VKJ20 तो आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा फ्रॉम आवर साइड, सो यू कैन बाय फ्रॉम दिस। ऑल्दो वी आर प्रेजेंट ऑन Amazon, Flipkart और बाकी सब जगह, बट वी हम सबसे ज़्यादा डिस्काउंट अपने अपने प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं। सर ये तो हो गया कि पर्सनल यूज के लिए, अगर बायर्स चाहते हैं आपके प्रोडक्ट लेना तो आपके प्रोडक्ट कैसे लेंगे और कैसे कनेक्ट होंगे आपसे? अभी हम लोगों ने कुछ टाइप किए हैं ऑर्गेनिक कंपनीज के साथ, जैसे वाक्षी ऑर्गेनिक्स है, एक जैन पिकल है, एक गुरु नानक आयुर्वेदिक करके हैं, एक फ्रेश फार्मर्स हैं। सो B2B हम लोग भी करते हैं और वो लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको बस मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना है 9953526445 या हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप अपनी इंक्वायरी जनरेट कर लीजिए और हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे। आप बहुत अच्छे से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। करंटली ये तो मतलब USA में, ऑस्ट्रेलिया में तो हमने खुद ही एक्सपोर्ट किया है, USA में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है, UAE में बहुत अच्छी डिमांड है, सिंगापुर में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है और इंडिया में तो देखो हेल्थ कॉन्शियस लोग आए जा रहे हैं। हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सो वी आर अ पानीपुरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन अहमदाबाद। दिस वी हैव मैन्युफैक्चर्ड पैलेट्स आउट ऑफ रागी एंड मिलेट बेस्ड। सो दिस इज अ न्यू इनोवेशन इन द पानीपुरी इंडस्ट्री। वंस यू फ्राई दिस द पूरी इज लाइक दिस, यू कैन फ्राई दिस एट होम ऑल्सो एंड देन यू कैन हैव इट विथ योर ओन फ्लेवर ऑफ वाटर एंड एवरीथिंग। So we are coming up with this, you can have it, you can go to our website shareitfoods.com, you can order over there and it will be delivered to your place. Sir, you launch a healthy options. Yes, this is a healthy option. Normally puri comes which is maida based. What we have other flavor is of with whole wheat flour. The second option we have is millet based. So we are trying to create innovation for a healthier version of mouth flavoring snacks. Is it pocket friendly or? Yes, it's very pocket friendly. Normally, you will get a packet of 200 grams of pani puri for around 80 rupees. The MRP is 99. If anyone wants to need this product, how can connect? They can go to our website. One option is that. Second option is that we are available in modern trade stores, that is DMart, Reliance, and all those stores. So you can ask the storekeeper to give you Shareit Pani Puri. Can you show me your visiting card? This is my company. Hello sir. Hello ma'am. Sir, सबसे पहले अपना basic introduction दे दीजिए। Ma'am, my name is Amit Amit Bhogal. I am from Eternal Healthcare. Director, General Sales Team. And we are into honey. And honey-based products basically. So you will get honey from various companies or various brands, but you will not get the various products. Like we are having ginger. This is ginger curcumin honey. Okay, like in case of flu or if you are having itching in your throat, so you can use it. This is a slim honey. These are slim honey. Slim honey means? Slim honey means it contains apple cider vinegar, cinnamon and ginger. So in the morning, you can have it for weight loss. This is a raw. Sir, आपने different parts में कुछ ना कुछ मिलाया हुआ honey के अंदर. Yes. Okay. This is our pan honey. This is our pan honey. So pan extract, natural extract has been infused into honey, into raw honey. Like
This is rose honey. Right. This is honeycomb. If you want, I can show you the proper honeycomb. So naturally, इसको ऐसे करके पैक कर दिया है, as it is. You can have it as it is also. Honeycomb को भी? Yes, yes. It is very good for your skin, for your gut. Okay. Right. This is a bee pollen. Very what unique product. This is bee pollen. ये क्या होता है सर? Pollen, ma'am. जो मक्खी है वो सारा जो नेक्टर लेके जाती है तो कुछ पोलन वो खा लेती है और कुछ के अंदर शहद बन जाता है, जो बाकी बच जाता है उसको हम यूज करते हैं. सो इट इज वेरी, इट कंटेन्स वेरी हाई प्रोटीन वैल्यू. तो सर क्या बेनिफिट्स है इसका? इसके मैम ये एंटी एजिंग है, ठीक है, स्किन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और सबसे ज़्यादा हेल्दी है ये In terms of protein. तो ये सर कंपनी कहाँ की है? ये हम मोहाली बेस्ड है मैम, पंजाब. कितना टाइम पीरियड हो गया मैम हमें? वैसे तो मार्केट में हम पिछले 5 साल से हैं, 4 से 5 साल से हैं, बट ये प्रोडक्ट्स हमारे पिछले 1.5 से 2 साल से हम ये प्रोडक्ट्स पे R&D कर रहे हैं. ओके, राइट. तो अगर कोई बायर साहब से कनेक्ट होना चाहता है तो किस तरीके से होगा? मैम मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा. मैं आपको अपना विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ. This is my visiting card. My name is Amit Bhogal. I'm taking care of all the direct channel sales. Okay, thank you, sir. Thank you, ma'am. Sir, इसी के साथ में ये क्या चीज़ है? ये प्योर हल्दी है मैम. हल्दी येलो कलर की होती है? ये मैम रॉ हल्दी है. Okay. ये रॉ है. तो इसके ये आउटर लेयर हटानी पड़ती है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मैम. उसके बाद ही ये जाके मशीन में जाती है, फिर वो बाकी सारा प्रोसेस वो होता है. से बी टू बी बिजनेस के लिए रखी है. दिस इज नॉट फॉर द इंडिविजुअल, कोई चाहे तो ले सकता है, बट अदरवाइज इट्स फॉर बी टू बी. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. ग्राइंडिंग हल्दी ऑन है एंड कन्वर्टेड. इसमें हल्दी पिस रही है? हल्दी पिस रही है, साबुत हल्दी. सर ये कमर्शियल वाला है, डोमेस्टिक वाले जो होते हैं उसमें भी हो जाता है? नहीं, हम डोमेस्टिक में भी पीस देते हैं, पर हम अभी कमर्शियल को प्रमोट कर रहे हैं. तो कमर्शियल में हमने हल्दी पीस दिए और आप देखिए कि हल्दी का साइज देख लीजिए, थोड़ा और पीसेंगे और बारीक हो जाएगा. तो वन हैज टू सी इट. तो सर इसको निकाल के जिसका ब्लेड दिखाइए, कौन सा ब्लेड है? ब्लेड डिपेंड करता है ब्लेड के ऊपर. ये सुपर ग्लू सारा काम यही कर रहा है, एक ही ब्लेड में, एक ही ब्लेड है. There is no change. तो डोमेस्टिक वाले में भी यही ब्लेड होता है? नहीं, डोमेस्टिक में हमारे कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनके अंदर ब्लेड चेंजेबल है. Okay. इसके अंदर वेट एंड ड्राई बोथ ग्राइंडिंग, वेट ग्राइंडिंग भी हो जाती है, वेट ग्राइंडिंग भी हो जाती है. गार्लिक पेस्ट, टमाटो प्यूरी, एनीथिंग कैन बी ग्राइंड. अब डोसा बैटर, राइस, इडली राइस, कुछ भी हम पीस सकते हैं. ये दोनों सेम मशीन है, पर्पस अलग अलग है, ग्राइंडिंग नीड्स अलग है. वो ड्राई ग्राइंडिंग है और वेट ग्राइंडिंग का डेमो कर रहा है. तो सर अगर प्राइसिंग की बात करें तो? प्राइसिंग यहाँ पे बुकिंग कर रहे हैं हम इसको 600 रुपये, 12,600 रुपये विद 2 जार्स, 1 द बिगर जार एंड द स्मॉलर जार विद दिस स्मॉलर जार और 12,600 इंक्लूडिंग GST एंड डिलीवरी चार्जेस. सो वी आर बुकिंग ओवर हियर. दिस इज द प्राइस इन द वर्ल्ड फूड इंडिया. And this is a new product, hand blender. It can be used as a commercial, and 5 to 6 liters of anything can be grind from this. So you don't need a bowl. इसको बार बार transfer नहीं करना, सीधा पतीले में डालिए और grind कर दीजिए. किसी भी container में shift कीजिए, पतीले में डालिए और grind कर दीजिए. ये vegetable cutter है, new launch है. आप इसको दिखाएं. इसमें कमर्शियल वेजिटेबल कटर फॉर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, मीडियम रेस्टोरेंट्स हैं, उनके लिए. और यह बड़े घर हैं जिनमें 10 लोग रहते हैं, 20 लोगों का खाना बनता है, ऐसे घर भी हैं, आज भी हैं. तो उसके लिए इसके अंदर 3 कटर ब्लेड्स आते हैं. 1 इज श्रेडर, एंड श्रेडर मशीन में हम ये पत्ता गोभी है, इसको हम इतना बारीक चॉप कर सकते हैं. ये सो अगर किसी को लेना है तो वो सेपरेट मशीन है. ये डाइसर है, इसके अंदर दीज यू कैन शूट दीज टमेटो, अनियन, कुकुम्बर, कैबेज, पटेटो, कैप्सिकम कैन बी
डाइस्ड, सो इट्स अ डाइसर आलू लाउ, एक साथ रखा हुआ एक कोकुम्बर डाइस हो गया, ऐसे ही किसी भी चीज़ का आप डाइस निकाल सकते हैं। अगर सर प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस होगा इसका? प्राइस 12,600 अगेन एंड कमर्शियल वारंटी। ये है स्लाइसर, ये स्लाइसर है तो आप इसके अंदर पोटैटो स्लाइस, अनियन स्लाइस, कैप्सिकम स्लाइस, मशीनरी में आपने दिखाया हुआ है कि श्रेडेड भी कर सकते हैं, डाइस भी कर सकते हैं, स्लाइस भी कर सकते हैं, कैबेज श्रेड इसके अंदर होगा, कोकुम्बर स्लाइस कर सकते हैं, खीरा टमाटर स्लाइस, टमाटर नहीं कर सकते, वी डोंट रिकमेंड। और हम ये स्लाइसर मशीन में इस बीन्स को भी डाइस करते हैं, बीन्स को भी काट पा रहे हैं। फाइन, एक मिनट कुछ डालो इसमें, आलू डालो, ये देखिए ये प्याज हो रही है इसके अंदर, ये प्याज हो रही है, सी हाउ क्लीन। सर टाइम सेविंग के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, पर रेस्टोरेंट्स के लिए छोटा छोटा काम, दो दो चार चार किलो सब्जियाँ काटनी है, उसके लिए बहुत बढ़िया है और बहुत सस्ती मशीन है। 12,600 इज एन, इट्स अ वेरी वेरी इकोनॉमिकल एंड यूजफुल मशीन। इट्स अ बार ब्लेंडर, शेक्स, कोल्ड कॉफी, फ्रूट शेक्स, स्मूदीज, ग्रेनिटाज, आइस, मोर ऑफ ए आइस। इट वी हैव टू मॉडल्स, वन इज विद अ डिजिटल टाइमर कंट्रोल एंड दिस इज अ मैनुअल मॉडल, मैनुअल मॉडल एंड बोथ कैन बी इक्विप्ड विद साउंड एनक्लोजर। ये साउंड प्रूफ के लिए, साउंड प्रूफ के लिए किसी भी मशीन में लग जाएगा, दोनों में, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो मैनुअल हो, दोनों में लग जाएगा। सर इसके साथ जो जार आते हैं कितने जार आते हैं? एक जार आता है, सो यू कैन बाय एडिशनल जार। ओके, एडिशनल जार, सिंगल जार आता है इसमें, सिंगल जार आता है, पर एडिशनल जार जैसे आपकी वर्किंग ज़्यादा है आपकी रशों की, तो एक जार क्लीन हो रहा है जब तक आप दूसरे जार में बनाइए, फिर तीसरे में बनाइए, जब तक आपके रोटेशन मेंटेन हो जाए उतने एक्स्ट्रा जार रखिए, मशीन यू नीड टू हैव ओनली वन। तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जार, एक्स्ट्रा जार। क्या प्राइसिंग क्या है? ब्लेंडमैटिक जो है 9,900 मैनुअल, 11,700 टाइमर कंट्रोल, एंड इफ यू टेक साउंड एनक्लोजर 6,300 और एडिशनल जार इज 3,000 रुपीज। सो डिपेंड्स व्हाट यू नीड। अभी यू कैन शूट आप इसमें। सर क्या बना रहे हैं? ये कोल्ड कॉफी, सो 15 सेकंड्स इज इनफ, 15 सेकंड। अपने आप इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसको होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है, नहीं सर, अपने आप इसकी स्पीड बढ़ी, अपने आप लो हो गई, सो इट्स प्री प्रोग्राम, इट्स डन, सो इट, सो ही कैन डू सम अदर वर्क व्हाइल थिंग्स आर गेटिंग डन। इसका ऑटोमेटिक का फायदा ही है। पिलाओ एंड इन वन गो दिस विल कन्वर्ट, ऑल कन्वर्ट इनटू अ आइस स्लश। हेलो मैम। हेलो मैम, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माई सेल्फ दिया, आई एम फ्रॉम स्पाइसीफाई। हमारा किचन स्पाइसेस का ब्रांड है और हमने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करा है। ये हमारी 100 ग्राम का बॉक्स है और इसमें 5 पाउच पैक है। जैसे मोस्टली सब मसालाज में एक सिंगल पाउच आता है, लेकिन हमारा 5 पाउच पैक है 20 ग्राम ईच। तो ये सिंगल यूज सैशे है, इसमें बार बार जैसे मसाले मॉइस्चर आ जाता है और वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका उसमें कोई वो नहीं है। आप हमारे 5 सैशे पैक है, उसके सारे एडवांटेजेस हैं, रिमेन्स मॉइस्चर फ्री, मॉइस्चर नहीं आता, इजी टू यूज़, वेस्टेज नहीं होती, जर्म्स नहीं आते और फ्रेशनेस रहती है। प्लस यहाँ पे हमारे तो मैम कितना टाइम पीरियड हो चुका है अपनी कंपनी को? अभी हमारे 1.5 ईयर हो चुका है।
मैं टोमेटो सूप की सैम्पलिंग हो रही है, आप रिव्यू ले सकते हैं यहाँ पर। मैम आपने सर आपने सूप टेस्ट कर रहे हो तो कैसा है? थोड़ा यूनिक है बाकी ब्रांड से, बट बेटर टेस्ट है। ओके तो कितने कितने नंबर देना चाहोगे? आउट ऑफ 10 8। ओके थैंक यू। और इसके अलावा क्या क्या है? और यहाँ पे हमारी ये सब्जियों की टेस्टिंग हो रही है, बोले हैं। और ये क्या बन रहा है? दाल। अभी ये दाल तड़का मसाला बन रहा है, हमारा दाल तड़का मसाला है। ये भी टेस्टिंग ये है कि आपको कुछ भी बनाना है, ये मसाले सिर्फ ये मसाले डालने हैं। और ये वाले हमारे सारे इंस्टेंट मसालाज हैं, इसमें आपको इवन सॉल्ट भी ऐड नहीं करना। और प्राइस की बात करें तो प्राइस रेंज हमारी नॉर्मल है, अफोर्डेबल, बाकी ब्रांड्स के से रीजनेबल है और ऑलमोस्ट इक्वल प्राइस पे। ज़्यादा प्राइस का फर्क है। तो जो आपके प्रोडक्ट है कहाँ पर मिलेंगे? हमारा प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पर www.spicify.in, Amazon पर और नियर बाय BKD स्टोर्स पर। ओके थैंक यू। मैम अपना विजिटिंग कार्ड दिखा दीजिए। विजिटिंग कार्ड आप देखिए, स्पेसिफाई की कंपनी है और अगर आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। और ये हमारा चाट मसाले का और ठंडाई का सैंपल है, तो आप इनके काउंटर पे आके सैंपल्स भी ले सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं। हेलो मैम, मैम सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए और क्या लेकर आए वो बता दीजिए आप। मैं डॉक्टर सुषमा कुमारी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, बिहार वेटनरी कॉलेज, बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी पटना में हूँ। और हमने हमारी जो लैब है उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप की है अपॉन मीट, एग एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स की, जिसकी प्रोसेसिंग करके हमने कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया है। उसी की टेक्नोलॉजी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए हैं इस एग्जीबिशन में, और यहाँ जो भी विजिटर हैं वो टेस्ट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स है? काफ़ी अच्छा, काफ़ी सराहना कर रहे हैं कि ये न्यू प्रोडक्ट है और इस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में आनी चाहिए ताकि लोगों को वैरायटीज मिल सके इस क्षेत्र में। आपने ऐसे किया हुआ है कि प्रोटीन बेस्ड भी है और एगिटेरियन वालों के लिए भी है और नॉन वेजिटेरियन सभी के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे पनीर का लोग केवल सब्जियां खा के उब जाते हैं, तो एक पिकल्स बनाया है, इससे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई है। और जब भी चाहे लोग जो वर्किंग है केवल पराठे सेक के और पनीर को एज ए पिकल भी खा सकते हैं, जो कि हेल्दी भी है, न्यूट्रिशियस भी है। वैसे ही हमने एक नया स्नैक्स बनाया है, चिकन निमकी। निमकी अभी तक वेजिटेरियन प्रोडक्ट होता है लेकिन उसमें बहुत लेस न्यूट्रिशन होता है। हमारा जो प्रोडक्ट अभी है चिकन निमकी, ये हाईली न्यूट्रिशियस है, तो बच्चे इसे काफ़ी पसंद करेंगे। एक अच्छा स्नैक्स है जो कि एक हेल्दी हो सकता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स, अनटूवर्ड इफेक्ट्स नहीं है। वैसे ही चिकन लिट्टी है, लिट्टी वेजिटेरियन लिट्टी ही अभी तक अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हमने नॉनवेज लिट्टी डेवलप किया है। थोड़ा लोगों का टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा जो नॉन वेजिटेरियन पीपल हैं उनके लिए। और कलर्ड एग है हमारा, जिसके कि हमने जो नॉर्मल वाइट एग होते हैं उनको प्रोसेसिंग करके कलर्ड बनाया है, और ये विदाउट एनी ऑयल और स्पाइसेस का है, इसमें नेचुरली हमने प्रोसेसिंग किया है। ये भी काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी अट्रैक्टिव है, लोग जो भी यहाँ विजिट कर रहे हैं काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं इस तरह के अंडे की तरफ और टेस्ट करके इसे काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। तो मैम ये वाला आइडिया आया कहाँ से आपको? हमारा टेक्नोलॉजी का लैब है और यही हमारा काम है, हम रिसर्चर हैं, न्यू टेक्निक्स जो है हम डेवलप करते हैं ताकि जो है ये अपनी टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स को हम सेल कर सके और लोग इस पे अपने बिजनेस सेटअप करके, स्टार्टअप करके अपना इकोनॉमिक जो है कंडीशन बेहतर बना सके, इसकी मार्केटिंग कर सके। तो मैम जैसे पनीर के अचार की बात करें तो इसकी सेल्फ लाइफ कितनी होगी?
पनीर के अचार की है अभी 2 months सेल्फ लाइफ, और अंडे के अचार के 6 months है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। तो मैम ये कहाँ पर मिलेगा? ये तो अभी जो भी यहाँ विजिटर्स हैं, जैसे यहाँ बायर्स आएंगे हमारी टेक्नोलॉजी को खरीदेंगे, उसके बाद वो अपनी बिजनेस सेटअप करके उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। हम लोग लैब में सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाते हैं, हमारा बिजनेस नहीं है। मैंडेट हमारी यूनिवर्सिटी है जहाँ हम ये टेक्निक डेवलप करते हैं। थैंक यू। और साथ में जैसे ये वाला है, तो इसमें जो लिक्विड है वो कौन सा है? ये तो हमने कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया है जिसके कारण इसका सल्फेट बढ़ गया है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये हमारी टेक्निक है, अभी सीक्रेट है। तो जब लिट्टी की बात कर रहे थे वो ये वाली है चिकन? जी 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 जी। और ये नीमकी, मतलब जो नमक पारे होते हैं? हाँ हाँ, नमक पारे हैं वही, वो सिर्फ मैदे और वो नमक ऑयल के बनते हैं, लेकिन इसमें हमने बहुत सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाला है उनको। तो इसमें इसको बनाने के लिए आपने मैदे का यूज नहीं किया है? नहीं किया है जी, बिल्कुल। ये सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं? सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो मैम। हाय मैम, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो हम लोग बादशाह चाप के नाम से हम लोगों ने स्टॉल लगाया है, हम लोगों का सोया चाप मैन्युफैक्चरिंग का काम। हमारे पास सोया चाप है, एक्सक्लूसिवली सोया चाप। इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट्स हैं, फ्रोजन है जो लोग लोकली यूज़ कर सकते हैं उनके लिए, जो थोड़ा दूर यूज़ करना चाहते हैं उनको एम्बियंट टेम्परेचर पर यूज़ करने के लिए हम चाप इन ब्राइन देते हैं। प्लस अगर कोई और यूज़ करना चाहे तो हम प्रीमिक्स सोया चाप आटा देते हैं, उसको ये खुद बना सकते हैं चाप इससे। ओके, तो यहाँ पर आप टेस्टिंग भी करा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। टेस्टिंग में क्या चीज़ है? टेस्टिंग में हमारी सोया चाप ही है। तो अगर पैकेजिंग की बात कर रहे हैं ये चाप की, तो छोटी पैकेजिंग कितनी की होती है? छोटी पैकेजिंग का प्राइस 100 rupees है। अगर कोई बिजनेस के लिए चाहता है, बल्क में चाहता है, तो पैकेजिंग तो हमारा ऑल ओवर इंडिया का प्राइस है ₹140 पर केजी। थैंक यू। प्रोडक्ट है कंपनी के, जैसे सोया चाप है, सोया टिक्का है, सोया कबाब है, सोया मसाला है, जो हम एक्चुअली डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट पर्पज से हम सेल करने के लिए यहाँ पे अपना एग्जीबिशन में लगाया हुआ है प्रोडक्ट। सरकार की कंपनी है? हाँ जी, ये हरियाणा की कंपनी है, इंडीज हरियाणा की कंपनी है, इंडीज ग्लोबल फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है। कितना पीरियड हो चुका है? एक्चुअली ये 8 years हो चुके हैं कंपनी को। अगर आपके प्रोडक्ट किसी को चाहिए होंगे तो किस तरीके से? एक्चुअली प्रोडक्ट चाहिए के लिए ये हमारा डायरेक्ट कंपनी से डील करने के बाद आपको मिल जाएगा। तो लोकल मार्केट में है ये? अवेलेबल है। थैंक यू। थैंक यू। अगर आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। आप देख सकते हैं इनके पास रेडीमेड सरसों का साग है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट और रेडी टू ईट दोनों में, रेडी टू ईट। ओके, ये वाले सोया टिक्का, सोया चाप, अचारी टिक्का, मल्टीग्रेन सोया चाप, वेज कलेजी, ये सब रेडी टू ईट। हेलो मैम। हेलो मैम, कहाँ से आना हुआ? करनाल, हरियाणा। हरियाणा। ओके मैम, क्या स्पेसिफिकेशन है आपकी? हमारे यहाँ पर राइस की स्पेसिफिकेशन ये है कि आफ्टर देन कुक की, ये हमारा जो राइस है ये 1 inch लॉन्ग बनेगा। इसके लिए हमें इसको थोड़ा बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा अच्छा यूज़ करना पड़ेगा। किस तरीके से? पहले इसे आधा घंटा तक भिगो कर रखना है, उसके बाद बॉयल्ड पानी में डालना है 9 minutes में। इट्स ओके। ओके, तो क्या है, कौन सी ब्रीड है ये? ये सारा सेम है मैम। अच्छा, ये और सेम क्वालिटी है। अगर किसी को आपका प्रोडक्ट ये हो गया तो किस तरीके से कनेक्ट होगा? डोमेस्टिक में तो अमेजोन पे अवेलेबल होगा, बेसिकली हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। मैं आ चुकी हूँ गोदन मसाला फूड प्राइवेट लिमिटेड पर। हेलो सर। हेलो मैम। सर क्या लेकर आए हो एक्सपो में आप? मैम
बेसिकली वी आर GM Foods एंड आवर कंपनी बेसिकली डील्स इन द रिटेल मॉडर्न ट्रेड एंड ई कॉम वेयर वी आर सर्विंग टू द क्लाइंट्स जिसमें कि हम उनको रेडी टू मिक्स कंसेप्ट में प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो कि कैन ईजली कहना में जल्दी बन जाए एंड यू कैन गेट द बेस्ट हाइजीन प्रोडक्ट्स इन योर होम एंड इन बी टू बी ऑल्सो. तो हमारे पास जैसे बेदमी फ्लोर है एंड इसके अलावा पोहा है जिसमें हमने तीन तरह के पोहा आते हैं हमारे. वन इज़ नॉर्मल जनरल पोहा, देन इज़ द अदर वन इज़ खट्टा मीठा एंड द थर्ड वन इज़ मंचूरियन जिसमें हमने इंस्टेंट मिक्सर्स डाल रखे हैं. एंड देन जैसे प्रीमिक्स है तो प्रीमिक्स में हेल्थ के अकॉर्डिंगली कितना होगा? क्योंकि इसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स हमने हेल्थ सारे जो नॉर्मल जनरल यूज़ होते हैं वही यूज़ किए हैं. जैसे आप बेदमी पूरी में हमने वी यू एड द फ्लोर आटा एंड द मूंग दाल फ्लोर एंड इसके अलावा स्पाइसेस एंड हर्ब्स नथिंग एल्स. उसमें आपका कोई भी ऐसा हमने प्रोडक्ट नहीं एड ऑन किया है कि जो हेल्थ के लिए ख़राब हो या वो आपको हेल्थ अफेक्ट करे. यू नीड आपको सिर्फ करना यह है कि इसे डो करना है, देन डो करने के बाद 15-20 मिनट्स के बाद रखने के बाद यू कैन मेक द पूरीज एंड यू कैन गेट द फाइनल प्रोडक्ट लाइक इन इवन द मार्केट में जैसे आप मिलते हैं जैसे वैसे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे. देन वी इन ब्रेकफास्ट में अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं देन वी हैव इडली रवा डोसा रवा इडली में भी है. यस एंड मिलेट्स की कैटेगरी भी है हमारे पास. तो मिलेट्स में जहाँ पे आप हेल्दी कंसेप्ट में जाना चाहते हैं सर आप ये हम ये कह सकते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट ये निकाला है कि इतनी बिजी लाइफ में अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप घर पे भी बना सकते हैं और वो भी विद इन अ सेकंड. राइट. उसके लिए प्रिपरेशन नाइट में जैसे प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है. एकदम ये आजकल काफी लाइफ बिजी हो गई, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो पकोड़े बनाए या फलूदा बनाए. हमारे जितने भी रेसिपी है वो सारे ऐसे रेडी टू इट. इंस्टेंटली कोई मेहमान आ रहा है तो हम पोहा पकोड़ा बना सकते हैं. पोहा पकोड़ा अगर हम घर में बनाते हैं तो वो फट जाता है, बट इसके अंदर ऐसे इन्ग्रीडियंट है वो इजिली बन जाते हैं. इस पैटर के अंदर आपको पानी ऐड ऑन करना है, 5 मिनट रखना है पैटर को, उसके बाद डीप फ्राई करना है. और आप देख सकते हो इस पकौड़े को, इसके उसमें 1 मिनट दिखाई गई जिसका टेस्ट है वो बिल्कुल पकोड़े जैसे ही आ रहा है. इंस्टेंटली बनाया गया है ये. इसके अंदर हमने पोहे के बनाए हैं. ये मूंग भजिया पकोड़ा है आपका. ओके. हाँ, इसके अंदर सिर्फ हमने पानी ऐड ऑन किया है, 5 मिनट पैटर को रखा, उसके बाद डीप फ्राई करा है. अब कोई भी इंसान है, अब जैसे कोई मीठे में चाहता है मूंग, जैसे क्या कहते हैं मूंग दाल हलवा है, उसमें क्या करते हैं हम लोग उसको भिगोते हैं, रखते हैं, काफी टाइम लग जाता है, बट इतना लोगों के पास टाइम नहीं है. बट जो हमारा मूंग दाल हलवा है वो सिर्फ 8 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है. जैसे कि आपको क्या करना है, उसके अंदर हमारा मेजरमेंट होता है, 2 कप आपको देसी घी डालना है, उसके बाद उसको पैटर डालना है, फिर 2-1 कप आपको चीनी ऐड ऑन करनी है. 8 मिनट के अंदर आपका हलवा बन के रेडी हो जाता है एज ए रेस्टोरेंट स्टाइल. प्लीज सारी चीजें हमारे पास, जैसे कि आप बाहर जाते हो तो पोहा आपको नॉर्मली मिलता है, उसके अंदर इस अलग से पैचेस नहीं होते हैं, मतलब जो पाउचेस होते हैं वो नहीं होते हैं, बट हम लोगों के तीनों के अंदर पाउचेस है. जैसे ये नॉर्मल है बच्चों के लिए, खट्टा मीठा है जो पसंद करता है, कोई करते स्पाइसेस पसंद करता है तो स्पाइसेस का हमारा मंचूरियन वाला है. तो आपके प्रोडक्ट तो लोकल मार्केट में भी इजीली मिल जाते हैं? इजी मिल जाते हैं. ओल्ड दिल्ली, दिल्ली आउटसाइड जैसे लखनऊ, चंडीगढ़, वहाँ भी विजिट करते हैं. जितने भी आउटर हमारे स्टोर्स है, रिलायंस हो गया या जियो मार्ट हो गया, उस पर सारी जगह पे मिलते हैं हमारे. ये राजमंदी स्टोर्स अगर आप विजिट करते हैं तो सारे प्रोडक्ट मिलते हैं. तो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है या डीलरशिप लेना चाहेगा तो आपके प्रोडक्ट को? हाँ, कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर से पॉइंट ऑफ करके आप कर सकते हो. अगर आपको तो कोई तरीके से कनेक्ट होगा आप अपना. हाँ, विजिटिंग कार्ड है हमारा, विजिटिंग कार्ड ले लीजिए. ये विजिटिंग कार्ड है, प्लस में हमारी पूरी बुकलेट है. आपको जैसे कुछ भी ऐसा आइटम है जो आपको पर्सनली पसंद आया तो वो भी आप बुक कर सकते हो. इस पर साइट भी है हमारी. ठीक है, ओके. अगर आप उनके प्रोडक्ट की नीड है या फिर आप डीलरशिप चाहते हैं तो आप इनसे ले सकते हैं, या इनका नंबर मैं आप मेंशन कर दिया है. हमारा मेन यही है, हाथ बदलेगा बट स्वाद नहीं, टेस्ट आपको वही मिलेगा. इंस्टेंटली आप लोग बनाइए और घर पे सब लोग एंजॉय करें. जब आप फैमिली विजिट करते हैं स्टोर्स पे या बाहर तो आप लोग इजी बना सकते हैं. रेडी टू ईट है, 5 से 10 मिनट्स में रेडी हो जाता है आपका. थैंक यू. थैंक यू सर. आपने टेस्ट किया, कैसे लगा? पहले तो ये बता दीजिए क्या आया, क्या आया आपने? अच्छा है,
ठीक है फिर तो मतलब विदिन अ सेकंड ये इसको ऐसा नहीं है कि कोई घर में फीमेल होगी वही बना सकती है, मेल भी बना सकते हैं। तो सर लेके जा रहे हैं ना इसीलिए ओके सर। हेलो सर। हेलो मैम। सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैम वी आर अ सॉल्ट स्पेशलिस्ट बेस्ड इन अमृतसर। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट रेंजिंग फ्रॉम सी सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, बाथ सॉल्ट, एल्कलाइन सॉल्ट, जिसमें कि वी आर अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीबडी अक्रॉस द ग्लोब फॉर ऑल काइंड ऑफ सॉल्ट नीड्स। ऑफकोर्स एज पीपल आर गेटिंग हेल्दियर डे बाई डे, सो दे आर स्विचिंग फ्रॉम वाइट सी सॉल्ट टूवर्ड्स द पिंक सॉल्ट। So we have different varieties of pink salt which are used in day-to-day cooking activities, and we have numerous SKUs for different grammages of salt. So दिखाएंगे क्या क्या है? जी अगर आप इसमें देखेंगे तो this is the pink salt जो कि आप अपना cooking के अंदर use करते हैं। These are the rocks जिससे इसको process करके बनाया जाता है। ये इसी के अंदर granule form है जो कि grinders के अंदर आप use करते हैं। पिंक सॉल्ट जो रॉक सॉल्ट होता है। जी 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 जी। और उसके बाद में ये वाइट रॉक सॉल्ट है, ये एल्कलाइन सॉल्ट है जिसकी जो पीएच वैल्यू है वो 9.5 से प्लस रहती है। नहीं ये डेजर्ट से निकलता है, डेजर्ट सॉल्ट भी इसको बोलते हैं। और इसकी जो एल्कलाइन वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, 9.5 से प्लस होती है। जिसे क्या होता है, बॉडी के अंदर जैसे आजकल लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो ये एसिडिक नहीं होता, ये बॉडी को एल्कलाइन करता है। तो ये भी कुकिंग के अंदर यूज होता है। दूसरा एक हमारे पास एप्सम सॉल्ट है, ये एप्सम सॉल्ट बाथ सॉल्ट के लिए काम आता है, जैसे कि लोग बाथ टब्स के अंदर यूज करते हैं फॉर रिजुविनेटिंग द बॉडी, और ये नेचुरली उसके अंदर डाल के तो जो बॉडी होती है, जो मसल्स होते हैं, ये रिलैक्स होते हैं। जी तो सर अगर किसी को इस तरह के प्रोडक्ट की नीड होगी तो किस तरीके से? मैम इंडिया में हम लोग बल्क तो सप्लाईज देते ही हैं, बट वी आर मोर टू एक्सपोर्ट मार्केट्स। वी एक्सपोर्ट टू अबाउट 24 कंट्रीज। वी आर प्रेजेंट इन यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी, मलेशिया, सऊदी, कुवैत, कतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑल कंट्रीज में वी एक्सपोर्ट। सर कहाँ की कंपनी है ये? अमृतसर बेस्ड है। कितना टाइम पीरियड हो चुका है? 14 ईयर्स। तो सर अगर इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस मैम डिफरेंट प्राइस रेंज रहती हैं। हमारे पास जो 32 रुपीज से स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट 90 रुपीज तक का सॉल्ट जाता है। हर एक सॉल्ट का अपना अपना वैल्यू रहता है। तो कोई अगर बायर आपसे कनेक्ट होना चाहता है जी, तो मिनिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए? मिनिमम ऑर्डर मैम डिपेंड करता है, अगर आप बल्क बाय कर रहे हैं तो आप 1 टन भी ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। अगर आप पैकेजिंग करा के ले रहे हैं तो हम लोग 5000 यूनिट्स एक बार में पैक करके देते हैं। वी आर अ स्पेशलिटी सॉल्ट कंपनी, तो जो किस तरह का वो लोग प्रोडक्ट करना चाहते हैं, उसमें किस तरह की पैकेजिंग करना चाहते हैं, तो उसके बेस के ऊपर अमाउंट उसमें उनको देखनी होगी कि कितनी अमाउंट का वो ऑर्डर बनता है। लेकिन प्राइवेट लेबलिंग ऑप्शन भी अवेलेबल होती है, तो किसी को अपना ब्रांड भी बनाना हो तो वो अपना ब्रांड बना सकते हैं उसमें। तो वो भी आप अपने इनहाउस करके देते हैं? जी सब हमारे पास इनहाउस फैसिलिटी है सबका। वी मेक ब्रांड्स आल्सो, वी पैकेज इन देयर ओन ब्रांड्स। हर पैकेजिंग को हम उनकी अपनी ब्रांडिंग के अंदर भी कर सकते हैं। तो सर अगर किसी को इस प्रोडक्ट की नीड होगी तो आपसे कनेक्ट कैसे होगा? हमारी वेबसाइट भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरा कार्ड भी है, मैं सारी डिटेल्स आपको दे देता हूं, आप उनको दे सकते हैं एंड दे कैन गेट इन टच विद अस। सर अपना कार्ड दिखा दीजिए।